हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ब्रेन ट्रेन पर। बच्चों, जो आज मैं आपके लिए लेक्चर लाया हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? और इस वीडियो को एडवांस बनाते हुए हम फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब फाउंडेशन बैच क्या होता है बच्चों? फाउंडेशन बैच में हम बोर्ड की क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम का सिलेबस भी कवर करेंगे। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम कौन से बच्चों? KVPY, ओलंपियाड, NTSC और STSC, ठीक है बच्चों? अब हम जिस टॉपिक पर वीडियो लाए ना, उस टॉपिक की बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम बच्चों। हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे, ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, और मिरर फॉर्मूला से होने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जितना भी पढ़ेंगे ना हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है बच्चों? स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने लिखा है साइन कन्वेंशन। क्या होता है साइन कन्वेंशन, क्यों यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन? बच्चों, साइन कन्वेंशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, कब किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है, वह सब किससे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन से, ठीक है बच्चों? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना अच्छे से और नोट कर लेना जो भी मैं लिखवाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, ठीक है? अब पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो क्या लिखा। व्हेन एवर एंड वेयर एवर द पॉसिबल रे ऑफ लाइट इज टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बच्चों, जितने भी डायग्राम देखते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं हम, जो लाइट है कहाँ से ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, मतलब ये लेफ्ट हो गई, ये राइट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में ट्रेवल करती है लाइट, ऐसा माना गया है कि जितनी भी पॉसिबल रे ऑफ लाइट है ज़्यादातर कहाँ से ट्रेवल करती है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना कि लाइट की डायरेक्शन क्या बता रही है, लेफ्ट से राइट, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द डिस्टेंसेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड बिलो इट ओपोजिट एंड बिलो इट वाइल बिलो इट नेगेटिव। अब मैं ना ये बना लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ईजीली। अच्छा देखो, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है ना, जितनी भी डिस्टेंस होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, और अगर नीचे है उसके तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है? तो एक चीज़ तो समझ में आ गया भाई कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड कोई डायरेक्शन आती है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, और अगर नीचे की तरफ है तो उसको क्या साइन देंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब बच्चों, जितने भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, कि यार ये ऑब्जेक्ट है ये पोल से इतनी दूर पे है, जो इमेज है पोल से इतनी दूर पे बनी है। तो जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है, देखो, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। कि लाइट की डायरेक्शन है ना, लाइट कहाँ से ट्रेवल करती है, लेफ्ट से राइट, तो लाइट वाली डायरेक्शन है ना उसको क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो लाइट कहाँ से ट्रेवल करती है, लेफ्ट से राइट, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये लाइट की डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट, ठीक है, और इसके ऑपोजिट नेगेटिव। तो बच्चों, यही तो याद रखना है अपने को कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डायरेक्शन, उसमें हम डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, उसके नीचे वाले
क्या लेंगे? नेगेटिव। रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में क्या लेंगे? पॉजिटिव। और उसके ऑपोजिट है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ये बस ये इतना सा याद रखना है बच्चों, ठीक है? याद रह जाएगा, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आगे काम आएगा। अगर मैं बात करूँ मिरर की, जैसे मिरर की बात करता हूँ मैं, इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा है। सपोज दैट ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है? माना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गया फोकस, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट नहीं, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों, जो ये फोकस है, ये पोल से किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड? अभी हमने क्या पढ़ा था कि राइट हैंड साइड जहाँ लाइट ट्रैवल करती है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके अंदर जितनी भी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और उसके ऑपोजिट क्या लेंगे? नेगेटिव। अब राइट हैंड साइड मतलब ये, तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भैया? नेगेटिव, ठीक है? तो हम पोल से ही तो मेजर करते हैं, ये रहा पोल, तो जो फोकल लेंथ होगी वो पोल से इस साइड होगी, कह देते कि भाई 2 सेंटीमीटर होगी मान लो, तो क्या होगी? नेगेटिव लेंगे यहाँ वैल्यू, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, तो यहाँ क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। जहाँ भी इतनी लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी डिस्टेंस होगी हम क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है? और ऑब्जेक्ट अगर इतनी हाइट पर है तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं डिस्टेंस को? पॉजिटिव, तो वैल्यू होगी जो पॉजिटिव। और अगर इमेज यहाँ बनती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है बच्चों? ये याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है? अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है? हाँ, तो हम देखेंगे रिलेशन, स्फेरिकल मिरर के रिलेशन। सबसे पहले देख रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, कि भैया एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है। अब बुक जो हम बुक में पढ़ते हैं, बुक क्या कहती है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। अब इसको प्रूफ भी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे, हमें तो सब डिटेल में पढ़ना है, तो उसका प्रूफ देखेंगे कि इसका रिलेशन है क्या और ये आया कैसे है, हमें तो पता है पर इसका प्रूफ देखेंगे। अब मैं एक मिरर बना लेता हूँ बच्चों, इधर हाँ। तो बच्चों मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, इससे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट पास कराई है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है? अब मैंने एक नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू मिरर होता है, तो ये परपेंडिकुलर ही है, जो कि कहाँ मिल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है? अब हमने ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर पढ़ा था बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो अगर मैं इसको मानूँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है? अब बच्चों देखो, ये देखो जेड बन रहा है ये, ठीक है? तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते एकांतर कोण। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है बच्चों? अब मैं बात करूँ, देखो ये भी जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर इस पूरा लेंगे तो ये थीटा और थीटा टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ अगर इस पूरे की बात करूँ तो ये टू थीटा है, तो ये भी टू थीटा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मैंने एंगल कैसे लिखे, ठीक है बच्चों? अब मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल लेता हूँ, तो पहले मैं ट्राइंगल की बात करूँगा, यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे बच्चों, एक क्यू सी पी ट्राइंगल और एक क्यू एफ पी, इन दोनों ट्राइंगल को मैं अलग अलग बना लेता हूँ, समझ में ईजिली आएगा बच्चों। क्यू पी सी, अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ ना तो वो यहाँ मिलेगी, ठीक है? तब बनेगा वो ट्राइंगल। बट अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूँगा, अगर इससे कोई पॉइंट देता हूँ तो वो पी के बहुत 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 ही करीब होगा बच्चों, बहुत करीब, इसलिए मैं परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींच रहा, मैं पी को ही
मैं मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा उनकी जो पी और उस लाइन पॉइंट के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगी, इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूँ। तो समझ लेना ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है। ओके, अब मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये हो गया सी पी, सी और पी की बीच में क्या है आर, ठीक है, उसकी क्या है लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है। अब मैं इसको टेन थीटा निकाल लेता हूँ यहाँ से। पहले मैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करूँगा, पहले मैं क्यू सी पी ट्रायंगल की बात करूँगा, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू सी एंड पी, टेन थीटा निकाल लेता हूँ बच्चों। अब टेन थीटा ही क्यों लिया मैंने, एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में हमेशा टेन थीटा ही यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ साइन थीटा भी ले सकता हूँ, पर साइन थीटा लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें इधर बेस और परपेंडिकुलर से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ, यहाँ से साइन थीटा नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं टेन थीटा ही ले रहा हूँ, क्योंकि टेन थीटा से परपेंडिकुलर और बेस दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगी, ओके, क्योंकि वैल्यू दी हुई है। अब टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लंब बटा आधार, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पहले ट्रायंगल क्यू सी पी, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्यू पी, क्यू पी लिख दिया मैंने, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बेस क्या है बच्चों, सी पी, और सी पी की वैल्यू क्या है आर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों जो एंगल है ना, ये देखो थीटा, ये टू थीटा, जो एंगल है ना बहुत ही छोटा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, टेन थीटा को हम लगभग थीटा के बराबर मान लेंगे, जो टेन थीटा है लगभग थीटा के बराबर है, तो थीटा बराबर क्यू पी अपॉन आर, इसको क्वेश्चन वन दे देंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की, सेकंड ट्रायंगल की, क्यू एफ पी ट्रायंगल की, अभी देखना बच्चों आपको पता चलेगा, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एफ पी, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं टेन टू थीटा निकाल दूँ, अब यहाँ तो थीटा था, यहाँ टू थीटा है, तो टेन टू थीटा निकलेगा, टेन निकलेगा, तो टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू पी, क्यू पी, बेस क्या है बच्चों एफ पी, और एफ पी की वैल्यू क्या है स्मॉल एफ, जिसको हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से भी जो एंगल है बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे, जो टेन टू थीटा है लगभग बराबर है किसके, टू थीटा के, तो टू थीटा इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन एफ, ये सेकेंड हो गई। अब बच्चों यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड में पुट करूँगा, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ इस थीटा की जगह पुट करूँगा, तो देखते क्या होता, पुट कर दो बच्चों टू, इस थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, क्यू पी अपॉन आर, ओके, एंड क्यू पी अपॉन एफ, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, बचा क्या बच्चों, यहाँ लिख दूँ टू अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है। अगर मैं इस एफ को ऊपर ले जाऊँ, अगर इस एफ को मैं ऊपर ले जाऊँ, तो ये बच्चों टू नीचे आ जाएगा और ये आर भी ऊपर आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, तो एफ और आर में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। पता चल गया बच्चों प्रूफ कि जो एफ है आर बाय टू कैसे होता है, ऐसे होता है, समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशन किसमें, यू वी और एफ, यू मतलब डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की पोल से, वी मतलब डिस्टेंस से इमेज की पोल से, और एफ तो पता ही आपको फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना ये। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे रिलेशन किसके बीच में, यू वी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यू क्या होता है बच्चों, अभी देखना मैं डायग्राम बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा इजीली। पहले एक मैं मिरर ले लेता हूँ, कौन के मिरर, यहाँ बना लेता हूँ, बना लिया,
प्रिंसिपल एक्सेस होगी। ठीक है, ले ऑफ लाइट पास कराई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, टकराने के बाद इमेज बना दी इसने। ये होगी इमेज और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने एक मिरर लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पास कराई, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो इमेज बनाएगी, बना दी इमेज। अब ये जो मैंने नॉर्मल खींचा है, जो कि परपेंडिकुलर होता है मिरर के, तो परपेंडिकुलर ही है मिरर के, ठीक है। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल नॉर्मल और इसके बीच में इसके इक्वल होगा, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इधर भी एंगल बन रहे, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा और इसको गामा, ठीक है, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये क्यू ओ पी, दूसरा क्यू सी पी, तीसरा क्यू आई पी। अब इन तीनों ट्राइंगल को देखता है पहले, ठीक है, पहले मैं ट्राइंगल किस ट्राइंगल की बात करूँगा, क्यू ओ पी, बहुत ईजी है बच्चों, समझ में आ जाएगा, फ्रॉम क्यू ओ पी, क्यू ओ पी ट्राइंगल, क्यू ओ पी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा बच्चों, टैन अल्फा, टैन अल्फा, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें जो एंगल है वो अल्फा ही तो है, तो यहाँ से अल्फा निकलेगा, पिछले वाले में हमने टैन थीटा निकाला था, अब यहाँ क्या निकालेंगे, टैन अल्फा। तो टैन अल्फा इज इक्व टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, क्यू पी, और बेस क्या है बच्चों, ओ पी। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये जो मैंने लिखा है ना, ओ और पी, ऑब्जेक्ट और पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, यू से, कहां से, पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये तो पता ही है अपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से जो इमेज बन रही है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है, ओ पी, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से। तो मैं यहाँ यू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना यू, ठीक है। अब जो एंगल है बच्चों बहुत ही छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, टेन अल्फा लगभग किसके बराबर है, अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, क्यू पी अपॉन यू, ठीक है, वन दे देता हूँ इसको नाम। अब ऐसे ही मैं ट्राइंगल की बात करूँगा, क्यू सी पी, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू सी पी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम टेन बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है, टेन बीटा इज इक्व टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, क्यू पी, बेस क्या है बच्चों, बेस ये रहा सी पी, जो कि आर है, तो सी पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। अब जो एंगल है बहुत छोटा है, सिमिलर इसके एंगल है बहुत ही छोटा है, तो वो लगभग किसके बराबर होगा, बीटा, जो टैन बीटा है वो लगभग किसके बराबर है, बीटा के। तो मैं यहाँ से बीटा लिख सकता हूँ ऐसे, सो सेकेंड दे देंगे। और ऐसे ही सिमिलर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, गामा इज इक्व टू क्यू पी अपॉन वी, समझ में आ गया होगा बच्चों, सिमिलर मैंने दोनों ट्राइंगल किस तरह करा है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू किसकी निकली है, अल्फा, बीटा और गामा की, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ओ क्यू सी, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा,
तो बच्चों इस ट्रायंगल में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी होती क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्रायंगल का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है उनके सम, मतलब जैसे ये ट्रायंगल देखो, इसमें एक ये और एक ये और एक ही दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों एंगल इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल किसके होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, एक्सटीरियर एंगल क्या है बीटा और इंटीरियर एंगल क्या है थीटा और अल्फा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है लिख सकता हूँ ऐसे। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूँ, ये देखो इसमें भी दो इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, वही सेम, तो मैं यहाँ से गामा लिख सकता हूँ, बीटा प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ, अगर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये यहाँ आएगी तो क्या माइनस की हो जाएगी ना, तो बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, क्या मैंने यहाँ से क्या करा, थीटा की वैल्यू निकाल दी, क्या किया मैंने, थीटा की वैल्यू निकाल दी, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा को एक साइड रखूंगा और जो बाकी है वो दूसरी साइड भेज दूंगा, तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया, तो ये पॉजिटिव है इक्वल के बाद वहाँ जाके इक्वल साइन के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये यहाँ के नेगेटिव हो गया। अब इस थीटा की वैल्यू को मैं इस वाले में पुट कर दूंगा, फिर देखना क्या होता है, ठीक है, पुट कर दूं मैं, बीटा थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, बीटा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं ढंग से। अब देखो ये माइनस वाले टर्म में यहाँ भेज दूंगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, भेज दूं इधर, ये आके पॉजिटिव हो गया और ये बीटा और बीटा टू बीटा हो गया, ठीक है। अब हमें पता है बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है और गामा की वैल्यू क्या है, ये देखो हमने पहले निकाल चुके हैं, हम इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, फिर देखना क्या आता है बच्चों, ठीक है, पुट कर दूं मैं, गामा की वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू पी अपॉन वी, क्यू पी अपॉन वी, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू पी अपॉन यू, क्यू पी अपॉन यू, बीटा की वैल्यू क्या बच्चों, क्यू पी अपॉन आर, क्यू पी अपॉन आर, ठीक है। अब इसमें देखो क्यू पी क्यू पी क्यू पी कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर निकाल लूँगा, है ना, यहाँ लिख लूँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं है ना यहाँ से क्यू पी कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, बाहर निकाल दिया मैंने क्यू पी को, और यहाँ पे भी मैं क्यू पी को बाहर निकाल लूँगा, कॉमन ले लूँगा, क्यू पी टू अपॉन आर, ठीक है, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, अब बचा क्या, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू टू अपॉन आर। अभी देखा था हमने इससे जस्ट पहले क्या देखा था, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू होता है, होता है कि नहीं होता, अभी हमने प्रूव किया था। अब ये देखो और ये देखो, ये इसका उल्टा है तो मैं इसकी जगह में वन अपॉन एफ लिख सकता हूँ, तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। तो बच्चों जो ये आया है ना, ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब बुक्स में आपकी मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ प्रूव कर दिया कि ये मिरर फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जितनी भी चीज़ें हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपकी अगर इच्छा है तो आप डायरेक्ट ये ले लो, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये देख लो सारा, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है और मैग्नीफिकेशन से क्या करते हैं, ठीक है, और कहाँ यूज़ आता है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो साइज ऑफ इमेज है उसको अपन एच आई से डिनोट करते हैं,
क्योंकि हाइट ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम. इसका एक और फार्मूला होता है बच्चों, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ठीक, अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि ये फार्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हम हर चीज़ को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ना बच्चों. ठीक है, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें से छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, तो उसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. ओके, इसका प्रूफ देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है. ठीक है, मैं एक स्फेरिकल मिरर बना लेता हूँ बच्चों. ठीक है, बना लिया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया. ठीक है, ये फोकस होगा और ये जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, माना कि मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ बच्चों. ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, एच ओ. ठीक है, ये ए और ये बी. अब मेरे को इमेज बनानी है इस ऑब्जेक्ट की, ध्यान से सुनना, मुझे एक इमेज बनानी है. तो इमेज बनाने के लिए कम से कम मेरे को दो रे ऑफ लाइट चाहिए, तो मैं एक पैरेलल पास करा लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से जाएगी. ठीक है, फोकस से. अब एक रे ऑफ लाइट मैं पोल से पास कराता हूँ. ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये रे ऑफ लाइट है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है बच्चों, यहाँ पे. तो जो इमेज है हमारी वो कहाँ बनेगी, यहाँ. ठीक है, बन गई इमेज. ठीक है, इसको मैं ए डैश और बी डैश कह सकता हूँ. ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, यहाँ थीटा बनेगा, क्योंकि क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थीटा बनेगा बच्चों और ये भी थीटा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा. ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, परपेंडिकुलर. तो बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है और इसका भी क्या है 90, एक थीटा और ये भी इक्वल है. तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे होते हैं तो ये जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा. ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल की कहानी क्या है देखते हैं बच्चों. देखो मैंने क्या लिखा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो होंगे ना वो इक्वल होंगे. जैसे ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन का रेशियो, ठीक है, ये वाली लाइन है जो बेस है, इस बेस का रेशियो, ये और ये इसका रेशियो, तीनों इक्वल होंगे. मैं लिख लूँ इनको, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ फिर छोटे वाले ट्रायंगल की. तो पहले मैं ए बी रेशियो किसका बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो किसका रेशियो बनेगा, ए डैश बी डैश. ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी बात करूं, ए पी अपॉन ए पी डैश, सॉरी ए डैश पी इज इक्वल्स टू पी बी, पी बी डैश, नहीं सॉरी, पी बी अपॉन पी बी डैश. अब बच्चों मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो आड़ी लाइन है ए पी और पी ए डैश, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको ले लूँगा सिर्फ. ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, ये पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हम इसको यू से डिनोट करते हैं, करते कि नहीं करते. ठीक है, और पोल से जो इमेज बनती है उसको हम वी से डिनोट करते हैं. ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर. ठीक है, पी बी इजिकल्स टू यू, पी बी कहाँ बच्चों, पी बी इजिकल्स टू यू और पी बी डैश इजिकल्स टू वी.
और ए भी हमें पता है बच्चों हाइट ऑफ एच नॉट, और बी डैश, और ये जो निकलेगी ना हाइट इमेज, इसको एच आई से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, वैल्यू पुट कर दूं मैं, ए बी की वैल्यू देखो बच्चों एच, और ये एच आई। अब एक बात और, इसको हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों? जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था बच्चों, कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके ऊपर की जितनी भी डिस्टेंसेस होती है, जितनी भी डिस्टेंसेस होती है, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और उसके ऑपोजिट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस होगी तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये तो इसके नीचे बन रही है ना इमेज, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, पी बी क्या है बच्चों, पी बी यू से डिनोट किया यू, और ये पी बी डैश वी। अब इसे भी नेगेटिव लेंगे, हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जो लाइट की रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है वो तो पॉजिटिव होती है, मतलब राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड हो मीन जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, पोल से लेफ्ट हैंड साइड, पोल से जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड, पोल से जो इमेज रही वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये यू नीचे आ जाएगा। तो एच आई अपॉन इक्वल्स टू वी अपॉन यू, इस माइनस के साइन को मैं इस साइड भेज दूंगा, तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। अब हमें पता है एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है, ये मैग्निफिकेशन, तो एम इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन। ठीक है, अब पता चला कि ये फॉर्मूला कैसा है बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो कभी तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, साइज ऑफ इमेज नहीं पता, और कभी वो दोनों ही नहीं दिए हुए होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ, हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का तो साइज पता होता है, पर इसका साइज नहीं पता होता ना, तो वो सब हम यहाँ से निकालेंगे, वी की वैल्यू पुट करके, यू की वैल्यू पुट करके। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।